हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हेयर वॉश किए थे तो आज बाल हमें खुले ही रखने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम तक नहीं, मतलब जब तक सूख जाते हैं तब तक। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और 2 बज रहे हैं, 11:30। और आप लोग सोचते होंगे ना, हमेशा यही वाली वॉच दिखती है, तो यार क्या करूँ, ये मेरी फेवरेट वाली वॉच है। और भी दूसरी वॉचेस है पर हमेशा यही हाथ में आती है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ हाथ में आती है बस वही पहनने में आती है, तो बस ये वाली वॉच मैं डेली पहन कर आती हूँ। और मुझे ना बिना वॉच के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे ना जाना है डॉक्टर के पास में कुछ काम से, तो वो भी आपको पता चल ही जाएगा कि इस काम से जाना है। और यहाँ पर सुनील निकाल रहा है सारी रिपोर्ट्स। और अभी हमारे लैब के मैनेजर साहब नहीं आए हैं, जो कि आपको पता ही कौन है, वो पागल लड़का है, वो बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो वो आएगा तो वो उससे मैं आपको मिलवाऊंगी। और होती हूँ बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ यार, थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं सर डेली करते तो अच्छा लगता है, वो टाइम बाद कैमरा उठाता है ना, बहुत अजीब सा लगता है। तो चलो अभी आए हैं तो थोड़ा सा काम भी देख लिया जाए, फिर मिलवाएंगे आपको उस पागल लड़के से, और फिर हॉस्पिटल भी जाएंगे, जो काम है वो भी करके आएंगे। तो गाइस, हमारे मैनेजर सर आ गए जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये आज रेड नहीं बोले, मरून पहनकर आए ना, मरून, और मैं ब्लैक, और सुनील भी मरून पहनकर, और सुनील हम दोनों का कॉम्बिनेशन पहन के आया, मरून रेड पहन के प्लस ब्लैक दोनों का है ना। और ये प्रॉपर्टी के कागज है इनके, जो कि ये मेरे नाम कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टी। ये बोल रहे हैं कि मुझे इतना ट्रस्ट किसी पर नहीं है, सोना पर है, तो मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी वो सारी सोना के नाम करता हूँ। जब तक मैं, कहाँ जा रहे हो, जल्दी आ जाना। अच्छा, मेरे नाम पे तो मुझे भी तो ले जाओ सिग्नेचर करने के लिए। वैसे लड़का भाग गया है, तो चलो मैं काम कर लेती हूँ तब तक। शुरू, कहाँ जाना अपन को बताओ ना, कहाँ जाना है अपन को, कहाँ चलना है? और आप कैप लगा के, आपकी कैप मुझे दे दो, दे दोगे? नहीं, कहाँ भाग रहा है अकेले अकेले, कहाँ चले, कहाँ चलना, दुकान चलना है, चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। क्या कह रहा, उधर मत जा, इधर ही रह। डॉक्टर को दिखाने आए, तेरे कहाँ लग गई, दिखा मेरे को ऊपर। छोरो देख, अंकल जी को छुई लग रही है ना, देखो लगा दो ऐसी छुई, देखो लगा दो। आप लोग ना कमेंट करते हो कि यार दीदी, आजकल आप ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे हो, वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हो? तो यार इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लॉगिंग करूँ या क्या करूँ, ऑफिस का काम भी रहता है, फिर ऊपर से दूसरी चीज़ें भी रहती हैं। तब देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आई थी शोरू को लेकर हॉस्पिटल, तो भैया यहाँ पर लगा रहे थे इंजेक्शन, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। शोरू क्या हो गया, मुँह बना रहा, तो क्या पिला दिए देखो, दवाई अंदर, तेरे दोस्त है ना वो सारे, वो दोनों तेरे दोस्त है, वो जो दोनों दिख रहे हैं, ओ देख देख, भगवान जी, भगवान जी को करो, भगवान जी को हाथ जोड़ो। छोरू जय श्री राम किसे कहते हैं, बोल दे जोर से, बोल दे जल्दी, दो बंदर। शुरू अपन कहाँ गए, मैं भी जाऊँगा तेरा दूसरा, कहाँ पे कहाँ गए अपन, मेरे को बता क्या करने आए अपन, इधर देख मामा यही है, जूस पीने आया, क्या करने आया, इधर देख, नहीं तो दूंगी नहीं तेरे को, देख जूस पीने आया है, है आराम आराम से भी ले जा, तुम ना अपन शुरू किया क्या, आ जा दीदी गाड़ी इधर लिया छाऊं, अच्छा जूस, शुरू तो गलत बात है, आपने मेरा जूस भी ले लिया, हां कैसा ठंडा है ये, ठंडा है कि नहीं है, ठंडा है ना, अच्छा गधा, ऐसा कोई करता है, दूसरों का भी जूस पी लिया, खुद का भी पी लिया छाया, ये अच्छी बात है, जूसा तो बोलता है शुरू, जूसा। मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ और छोटू ने बहुत परेशान किया, और अभी तेजपाल भैया ने ना किसी को भेजा था वड़ा पाव लाने के लिए, लेकिन उसकी शॉप ही नहीं खुली, तो रिटर्न आना पड़ रहा है, उनका मुंह जरा सा हो गया। और ये पता नहीं कहाँ खाना खाने गए थे, तो क्या खाए तुम, तो तुम्हें अच्छी नहीं लगी, एक बस और चावल, वैसे चावल तो अच्छे लगते, दाल होती दाल चावल खा लेते, जरूरी तुमने कि पूरी खाना है, क्यों पूरी थी, मजा नहीं आया। और मुझे बोल के सोना, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं आराम से, मुझे लगा छप्पन भूख खा के आ गई, क्यों
लड़का भूखे मर गया। मैं जल गई इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। ओ मेरे जलने से क्या मतलब तुम्हारे खाने का? मेरे जलने से तुम्हारे खाने का क्या मतलब? कुछ भी। गाइस मुझे अगर तुम नहीं बुलाओगे खाना खाने के लिए तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। मैंने बोल रखा है कि जहाँ भी तुम खाना खाओ तो मुझे बुला लेना। पूरी उड़ी नहीं खाती मैं, शादी में बुलाना जहाँ पे रोटी बनेगी वो मैं खाऊंगी। पूरी तो मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या बड़ा पाव मंगाए थे तो वो भी नहीं मिले तुम्हारी वजह से। इस वड़ा पाव को खाने के लिए हमने कितनी देर वेट करा? 2.5 घंटे। ऐसा वड़ा पाव नहीं खाना। 4 बजे से गया था आदमी लेने के लिए, 6 बज गई हैं। तब हम खाएंगे मस्त वड़ा पाव, दिल्ली वाला नहीं हमारे रतलाम वाला। आज का दिन कैसे निकल गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुबह से शाम कब हो गई, तो चलो बहुत हो गई मस्ती खाना पीना, अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए क्योंकि मेरे ना बहुत सारी इंट्रीज बाकी है जो मुझे करनी है। आप देख सकते हो पूरा पेपर है, सिस्टम है। और एक भैया ना पाइनएप्पल लेके आ गए थे, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करते दीदी ले लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते, मुझसे कट नहीं होता है, बट फिर भी मैंने ले लिया यार। कोई इतनी रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये वाली वीडियो ना बहुत ज़्यादा पुरानी, लेकिन अब जाकर मुझे टाइम मिल रहा है एडिटिंग करने का, तो मैं अब इसे अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा बन रहा है खाना। और हाँ बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ और कैसा लग रहा है आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।